नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक भारत के खाते में सिर्फ एक ही मेडल आया है। लगातार निराश कर देने वाली खबरें आ रही हैं। टोक्यो ओलंपिक के पांचवें दिन भी भारत की झोली में दूसरा पदक नहीं आया। अब तक देश को केवल मीराबाई चानू ने रजत पदक दिलाया है। लगातार अलग अलग खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की हारने की खबरें आई, लेकिन इस दौरान एक उम्मीद की किरण के रूप में लवलीना बोगहेन भी उभर कर आई हैं। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोगहेन ने 69 किलोग्राम वर्ग में कमाल का प्रदर्शन किया। मंगलवार को जर्मनी के अनुभवी नेदीन एप्टेस को वो कड़े मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रहीं। लवलीना ने जर्मनी के मुक्केबाज को 3-2 से हराया। इस जीत से लवलीना ने अंतिम 8 में जगह बना ली है और मेडल से बस एक कदम दूर है। लवलीना बोगहेन सिर्फ 24 साल की हैं। उन्होंने आसाम के एक छोटे से गांव से ओलंपिक तक का सफर तय किया है। लवलीना बोगहेन आसाम के गोलाघाट जिले में पड़ने वाले सरूपथर विधानसभा के छोटे से गांव बरो मुखिया की रहने वाली है। उनके गांव की आबादी महज 2000 है। दो बार विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी लवलीना असम की पहली बॉक्सर है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। लवलीना बोगहेन टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम वर्ग में हिस्सा ले रही हैं। 13 साल की उम्र में लवलीना और उनकी जुड़वा बहनों को किकबॉक्सिंग सीखने के लिए भेजा गया था। दोनों बहनें किकबॉक्सिंग में नेशनल लेवल तक पहुंच गई, लेकिन उस समय लवलीना गेम बदलकर बॉक्सिंग रिंग में आ चुकी थी। जब लवलीना 9वीं क्लास में ही थी, तभी भारतीय खेल प्राधिकरण के एक कोच की नज़र उन पर पड़ी। तब से ही वो बॉक्सिंग में लगातार आगे बढ़ती चली गई। वो मोहम्मद अली के साथ साथ माइक टायसन की भी बहुत बड़ी फैन है। अब तक ओलंपिक में भारत को सिर्फ एक ही पदक हाथ लगा है। मीराबाई चानू ने भारत को पहला पदक दिलाया है। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में भारत को रजत पदक दिलाया था। मीराबाई चानू के बाद अब लवलीना बोगहेन से देश की बहुत सारी उम्मीदें हैं। लवलीना बोगहेन पदक से सिर्फ एक कदम दूर है और इतिहास रचने से भी। 130 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का भार लवलीना पूरा कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।